हिरन। एक जंगल में एक हिरन बचपन से ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था, तभी उसे एक शेर दिखाई देता है। वह डर जाता है। शेर उससे कहता है, तेरे बाकी साथी कहाँ है और तू तो बहुत बहादुर लगता है, तो मुझे देखकर भी नहीं भागा। हिरन उससे कहता है, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ, आप मुझे खा लोगे तो आपका पेट कहाँ भर पाएगा। आप मुझे अपने बुढ़ापे के लिए अपने साथ रख लो। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप शिकार ना कर सकोगे, तब आप मुझे खा लेना। मैं जब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी काफी दिनों की भूख मिटा पाऊंगा। तब शेर कहता है, लेकिन तब तो तू आसानी से भाग जाएगा। हिरन कहता है, नहीं महाराज, आप विश्वास करें, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उसकी बात समझ में आ जाती है। वे उसे अपने घर ले आता है, उसके लिए हरी घास का इंतजाम करता है। वहां रहते रहते वह शेर की सेवा करने लगता है, शेर की गुफा को साफ रखता है। धीरे शेर बूढ़ा हो जाता है और हिरन खा पी कर दुगना हो जाता है। एक दिन जब शेर शिकार पर नहीं जा पाता, तब हिरन उससे कहता है, अब आप मुझे खा लो। ये सुनकर शेर रोने लगता है और कहता है, तुझे मेरी गुफा में कई वर्ष हो गए, इतना तो कोई अपना बेटा भी नहीं साथ नहीं देता जितना तूने दिया है। अब मैं तुझे नहीं खा सकता क्योंकि मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया है। वह हिरन शेर को दूसरे जानवरों का बचा हुआ मांस लाकर देता, जिससे उसका गुजारा हो जाता था और दोनों मजे से रहने लगते हैं। शिक्षा: सच्चाई और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।